वेलकम टू देसी खाना। आज हम बना रहे हैं कराची का मशहूर नाश्ता अंडा पराठा। हमें चाहिए एक अंडा, उसमें हम डालेंगे एक चुटकी नमक और एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर और हम इसको बीट कर लेंगे। ये मैंने एक पेड़ा लिया है और ये आप सादे आटे से भी बना सकते हैं, और लेकिन मैंने इसमें एक कप मैदा, एक कप मैंने जो हमारा आम गंदम का आटा होता है वो, और थोड़ा सा दूध और ऑयल और नमक मिक्स करके मैंने गूंथ लिया है। और अब इसका मैं पेड़ा आपको बनाना बताती हूँ। मैंने पेड़े को इस तरह से प्रेस कर लिया है, अब मैं इसको बेलूँगी। इसमें मैंने बेल लिया है, अगर आपकी रोटी फट जाए तो परेशान नहीं होना, आपने इस पे पूरा घी इस तरह से फैला देना है। हाफ कट लगाया है, इसके बाद हम इसको आराम से उठा के जैसे क्रीम रोल बनाते हैं इस तरह हल्का हल्का स्प्रिंकल करते जाएंगे और उठाते जाएंगे, स्प्रिंकल करते जाएंगे उठाते चले जाएंगे। ये हमारा बन गया है। अब आपने क्या करना है, उठा के इस तरह से सीधा हथेली में रखना है और आस्ता आस्ता इसको नीचे की तरफ प्रेस करते जाना है, और जो इसका मुंह होगा ऊपर का इसको आपने फूल की तरह खोल लेना है। देखें ये बाल इसके इसी तरह ही आपके सारे आएंगे, और हाथ से दूसरे हाथ से आराम से आपने इसको दबा लेना है। ये आपका पेड़ा दूसरी तरफ से भी देखेंगे, ये देखें बाल ये इस तरह से आ जाएगा। ये डबल बाल पराठा हमारा, एक हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया है। वो जोर से नहीं करना, कहीं बल हमारे साइज चेंज करेंगे। हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा आमलेट हमने बनाया था वो हमने इसके ऊपर डायरेक्ट लगा देना है।
इसी तरह आप चीज़ी पराठा बना सकते हैं, आमलेट में आप कुछ भी ऐड कर लें, क्रश आप पोटैटो स्प्रेड कर लें, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये हमारा अच्छा से हम इसको इस तरह से करते हैं ताकि ये क्रिस्पी पराठा एंड सब हल्की बाइट कर देगा। ये हमारा अंडा पराठा तैयार है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको देखें किस तरह से एक एक बल अलग हो रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पराठे को एंजॉय कीजिएगा नाश्ते में, और अपने फ्रेंड फैमिली में मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।